आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन टनल के बाद, टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा पूरी होगी और ठीक से होगी। 26 अप्रैल तक सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और जो चार्जशीट है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं समझता हूँ हमारे संगठन के इतिहास में इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आपको बताने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने की है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह की खामी आज देखने को मिली है सुरक्षा में, उम्मीद है कि अगले दो दिन वैसी खामी देखने को ना मिले। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जब दिल्ली में यात्रा आई थी तब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा वीडियो फुटेज जारी करके बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी थी, हालांकि बाद में सरकारी एजेंसियों की ओर से इससे इनकार किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये चिंता जताई थी कि जब बाद में पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर जाएगी तो सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील इलाका ये है। तो ऐसे में अब वहाँ से क्या खबर आ रही कि आज क्या ऐसा हुआ जिसके चलते कहा जा रहा है कि सुरक्षा में सेंध लगी है? ये देखिए, बनिहाल टनल पार करके जैसे ही कश्मीर वैली में यात्रा घुसी, कांग्रेस का कहना है कि जो पुलिसकर्मी जो रस्सी लेकर साथ चलते थे और जो एक आउटर जो घेरा है वो बनाकर चलते थे, उनकी मौजूदगी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। राहुल गांधी का खुद का चलना जो है वो मुश्किल हो गया और इसलिए उनको गाड़ी में बैठकर वहां से निकलना पड़ा। उनको सिक्योरिटी फोर्स, उनके साथ जो अपनी सिक्योरिटी रहती है जो उनको मिली हुई है, वो उनको लेकर वहां से निकल गई। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग की है। जो मीर हैं वहां के, जो गुलाम मीर हैं जो कि उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने ज्यादा डिटेल देते हुए ये कहा है कि एक जगह फेरन पहनाया जाना था राहुल गांधी को, दो मिनट के लिए वहां पे रुकना था, वहां पे भी बंदोबस्ती नहीं की गई थी और इस वजह से 16 किलोमीटर जो आज पैदल चलना था राहुल गांधी को वो नहीं चल पाए। लेकिन बाकी के जो यात्री हैं जो लगातार साथ चल रहे हैं उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है प्रशासन से, जो जिस तरीके से आज पुलिस की नफरी नहीं थी आउटर घेरा क्रिएट करने के लिए, रस्सी लेकर चलने के लिए, रस्सी का जो घेरा बनाकर चलते हैं जिसको डी बोलते हैं सुरक्षा के भाषा में, वो बनाकर नहीं चल रहे थे, तो कल ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कल परसों दो दिनों की और यात्रा है, परसों ये यात्रा नेहरू पार्क में श्रीनगर में खत्म होगी और पूरी होगी और उसके बाद 30 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा का औपचारिक तौर पर समापन किया जाएगा। तो अगला जो 2 से 3 दिन है वो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है और कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो कुछ भी ब्रीफ दिया गया है वो हर एक ब्रीफ को मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि अपने नेता की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता करें। तो पूरी ब्रीफ के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका आरोप यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आज सुरक्षा नफरी मुहैया नहीं कराई और इसलिए यात्रा पैदल चलने में राहुल गांधी को दिक्कत हुई।